करगिल युद्ध जिसमें भारत ने दुश्मन देश को घुटनों पर ला दिया था। उसी युद्ध के दौरान जब पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों पर मोर्टार दागे तो एक मोर्टार एक भारतीय सैनिक के पास आकर गिरा। तेज धमाका हुआ और वह सैनिक बुरी तरह से घायल हो गया। उसे सेना के अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यहां तक कि उसके पार्थिव शरीर को घर भेजने का भी आदेश मिल चुका था, लेकिन तभी एक डॉक्टर ने देखा कि उसके सांसें अभी भी चल रही है, बट उसका एक पैर पूरी तरह से गल चुका था, जिस वजह से डॉक्टर्स को उसका एक पैर काटना पड़ा। काफी महीनों के इलाज के बाद जब उसे होश आया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम जिंदा तो हो बट कभी चल नहीं पाओगे, क्योंकि अब उसके पास एक पैर नहीं था, सुनने की क्षमता कमजोर हो चुकी थी और बम के 40 टुकड़े उसके शरीर के अलग अलग भागों में मौजूद थे जिन्हें निकाला नहीं जा सका। इन सब मुश्किलों के बावजूद भी उस बंदे ने हार नहीं मानी और ठान लिया कि वो सिर्फ चलेगा ही नहीं बल्कि दौड़ेगा भी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, साल 2011 में उसने 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़कर इतिहास रच दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेजर डीपी सिंह की।